सबसे आसानी से मिलने वाले अगर लोन की बात करें तो क्रेडिट कार्ड बेशक नंबर वन पे हो। कोई भी सामान पसंद आया, बस एक कार्ड स्वाइप किया और हो गई शॉपिंग। अगर बिल भरते समय पैसे नहीं है तो झटपट उसकी ईएमआई भी बनवा ली और टेंशन खत्म। लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आपकी टेंशन कम नहीं बल्कि डबल कर देती है। अक्सर लोग एक गलती से क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं। कई बार लोग खरीदारी ही इसलिए करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बनवा सके। ज्यादातर मामले में देखने को मिला है कि ऐसे लोग क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होते और कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको 5 बातें बताऊंगी और इसको फॉलो करें और अपने आप को कर्ज के जाल में फंसने से आप रोक सकते हैं। कर्ज से बचने का पहला मंत्र है, जरूरत के अनुसार ही बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करें। जब हम क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग की ईएमआई बनवाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड में पूरे बिल की किश्तों को बांट सकते हैं या फिर उससे कुछ हिस्से या किसी चुनिंदा ट्रांजैक्शन को ईएमआई में बदलवा सकते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करने से पहले कैलकुलेट करें कि आप कितना बिल चुका सकते हैं और कितना आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है। कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके उसका पेमेंट कर दें, इससे ज्यादा ब्याज देने से आप बच जाएंगे, क्योंकि आप जितना भी बिल ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं उस पर भारी ब्याज लगता है। क्रेडिट कार्ड बिल से बचने का एक और प्रचलित यानी कि फेमस तरीका है, ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफर। कई बार आपके पास भी बैलेंस ट्रांसफर या बीटी के लिए फोन आया होगा, लेकिन ये एक तरह से आपकी टोपी उसके सर ये वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी संभल कर फैसला लेना होगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई कन्वर्जन की फैसिलिटी नहीं है या फिर ब्याज दर बहुत ज्यादा है तो आप क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर का जो ऑप्शन है वो चुन सकते हैं। अगर ब्याज दर में ज्यादा अंतर नहीं है तो बैलेंस ट्रांसफर से भी कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी बात, ब्याज दरों पर जरूर गौर कर लें। क्रेडिट कार्ड कंपनियां बकाया बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करने पर 18% से 49% सालाना की दर से ब्याज लेती हैं। ईएमआई कन्वर्जन पर कितना ब्याज दर लागू होगा ये कार्ड धारक की क्रेडिट प्रोफाइल, उसके भुगतान रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन पैटर्न पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो पहले ब्याज दर चेक कर लें, फिर कोई बड़ा खर्चा करें। चौथी जो जरूरी बात है वो ये है कि भुगतान की अवधि। क्रेडिट कार्ड ईएमआई कन्वर्जन में भुगतान की अवधि भी जरूरी होती है। आमतौर पर यह अवधि 3 महीने से 48 महीनों के बीच होती है। अवधि जितनी लंबी होगी ब्याज भी उतना ही ज्यादा आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड धारक को यानी कि कार्ड होल्डर को हमेशा सबसे छोटी अवधि का विकल्प चुनना चाहिए। अब आखिरी सलाह यानी कि 5वीं बात, जब भी आपको बड़े खर्च को ईएमआई में बदलवाना है तो कर्ज के दूसरे ऑप्शन भी देख लें। आप चाहें तो बिलिंग की अवधि से पहले पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे जो फायदा होगा वो ये होगा कि आपको ब्याज देने में काफी बचत होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही 5 बातें आप ध्यान रखें और इसके अलावा मनी9 के सुपर आपको जरूर डाउनलोड करें, साथ ही मनी9 को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।